स्वामी, आज हम तुमसे झगड़ा करने के वास्ते आया जी। तुमने मुर्गा के वास्ते मुर्गी बनाया, हम कुछ बोला कुछ नहीं बोला। तुमने सांड के वास्ते भैंस बनाया, हम कुछ बोला कुछ नहीं बोला। तुमने गधा के वास्ते गधी बनाया, हम कुछ बोला कुछ नहीं बोला। तुमने वो लंबू के वास्ते इतना छोटा बीवी बनाया जी, इतना बड़ा धोखा, हम कुछ बोला कुछ नहीं बोला। जब तुमने मुर्गा के वास्ते मुर्गी, गधा के वास्ते गधी, सांड के वास्ते भैंस बनाया, तो इस मुत्तु स्वामी के वास्ते काय को कुछ नहीं बनाया जी। हम भी एक बीवी होना मांगता जी, लुंगी उठा के। अयो अयो अयो, मार डाला जी लुंगी उठा के। अयो शेख चिल्ली, तुम आदमी की खच्चर देख के नहीं चलता, तुमको भगवान ने आके नहीं दिया, अब हमको उठाओ जी लुंगी उठा। मैं लुंगी उठा के, लुंगी उठा के मेरा कच्चा और फटवा दिया, मुझे उठा दे तो लुंगी उठा के। एक बार सुन, बात तो यार लामिया ना दो, ये दो दो दीदे दिए मोटे मोटे, लगता है तुम्हारी ऊपर वाले ना दोनों दीदे फोड़ दिए। वाह बता, देख के बैठा था यार मेरे ऊपर तो तू गिर गया कम का। अयो ठेक चिल्ली, तुम हमको दीदी वाला जी, तुमको इतना बड़ा मुत्तु स्वामी दीदी नजर आता थी। वाह दीदी नहीं, बेसहूर है तो दीदी नहीं जानता। वाह बावली पूछ, दीदी नहीं दीदे। मैं वैसे तो लुगाई मांगने चला, मुझे लुगाई चाहिए। दीदा को आंख कहते हैं, आंखों को दीदा कहते हैं। अयो ऐसा क्या? ऐसा क्या मैं मतलब, तो अपने भगवान से क्या मांग रहा था? हमने भगवान से बोला जी। अच्छा स्वामी जी, आप निकाह को, निकाह नहीं शादी करना चाहते हैं? शादी करना, निकाह तो हमारे में होता, शादी करना चाहते हो? अच्छा, क्या तुम सच मुझ में शादी करना चाहते हो? अयो शेख चले, हम सोचता जी हम शादी के बाद दो चार बच्चा पैदा करने का मांगता जी, लुंगी उठा के। अच्छा चिल्ली, तुम देखता जी ये इतना बड़ा प्रॉपर्टी जी, हमारे जाने के बाद इस घर में कोई रोने वाला नहीं, तो दो चार बच्चा होगा तो वो रोता लुंगी उठा के। मुत्तु स्वामी जी, अगर तुम वाकई शादी करना चाहते हो तो मेरे जुगाड़ है। वो क्या जुगाड़ है जी? ऐसा मेरी खाला जान है, खाला जान है, और मैं उनसे तुम्हारा जुगाड़ करवा दूंगा। अभी तक कुंवारी भी रह वाली। अयो सेक चिल्ली, अयो सेक चिल्ली,
तुम हमारा मन का बात चेन लिया जी, लुंगी उठा के लुंगी चले, लुंगी चले, लुंगी चले, लुंगी चले, आयो सही के चले। तुम बहुत अच्छा आदमी हो, चलो इधर बैठो। बैठो नहीं, नहीं जी बैठो, सही के चले, बैठो, बिल्कुल नहीं बैठो, खड़ा हो जाओ, खड़ा जाओ, खड़ा ही रहूंगा। आयो सही के चले, तुम खड़ा खड़ा काहे को जाने का जी, तुम कड़ा कड़ा जाएगा तो हमारा शादी कौन कराएगा जी, तुम कड़ा कड़ा नहीं जाने का, नहीं तो हम कुवारा रह जाएगा जी, लुंगी उठा के लुंगी नहीं कर लुंगी नहीं कर। अच्छा अब बोलो जी, बैठो बैठो जी। अच्छा सेक चल, अब तुम कुछ मिठाई उठाई खाने का जी, लुंगी उठा के लुंगी सेक चल, तो तुम रसगुल्ला खाने का जी, लुंगी उठा के रसगुल्ले। ऐसा कैसा बोलो जी, तुम खाना मांगता जी। अरे राम, हाँ ठीक है खाना मांगो राम। शेख के वास्ते रामू हमको मिला जी। ये कौन है? ये हमारा नौकर जी रामू। नौकर दो है? दो नौकर जी, एक श्याम अभी आता जी। ठीक है रामू, उसे भी दिखलाओ, उसे दिखलाओ तो मैं खाना लेके आऊं। श्याम को आओ, सब बुलाओ श्याम। आ यार बुलाओ बुलाओ बुलाओ, उसे भी दिखाओ मुझे। श्याम, ये श्याम जी, श्याम ये रामू जी, ये श्याम जी। देखो देखो ठीक है, कौन ठीक ठाक कर रहे हैं? मैं शेख चिल्ली भाई, पर क्या बोले जी। अबे रामू तुम शेख जी के वास्ते खाना ले। नौकर तुम्हारे हरामी तो नहीं है? ये तो बहुत हरामी जी। हरामी है ना हरामी जी, हमारा सिर में दर्द करता जी। सिर में दर्द कर दे शेख चिल्ली भाई। ठीक है तो हाँ कर दूंगा, ठीक आएगा। अबे राम इतना देर काय को लगाता जी? ओ ये तो वाकई में कम्मा करता है, ये तो लेट करा कम। अरे हेलो स्वामी जी, खाना खाओ। क्या कर रहे जी? तो मैं खाना खाओ जी। ओए इधर आ, इधर आ, इधर आ। अब तूने पूछ क्यों मारा? क्यों मारा? मैं प्याज का तेरा फूफा लाएगा, प्याज लेगा। अबे राम प्याज ला, प्याज बड़े हरामी नौकर तेरा। तो बहुत अच्छा, तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा लगता जी।
अगर तुम हमारा शादी नहीं कराया जी तो तुम भी मरे। स्वामी जी तुम मेरा बुरा क्या सोचते हो, मैं अल्लाह भी आगे पास मरने से पहले अल्लाह के करम से एक नेक काम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे निकाह यानी कि तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। अच्छा से तेरा निकाह जरूर करवा के जाऊँ, मतलब शादी शादी कराएगा। नहीं नहीं मिठाई डाय तो शादी के बाद खाऊंगा, जब तेरे घर में दुल्हन लाद में दुल्हन। अच्छा जी ऐसा क्या, स्वामी जी किसे लिए आए था, हमें हम क्यों पिटवा रहे, क्या गलती है हमारी? हमारा बुरा काय को सोचता जी? मैंने क्या बुरा सोच दिया? शेख चिल्ले तुम हमारा नौकर को काय को मारा जी? मैं तो तेरा नौकरों को सुधार रहा था, ना सुधरवा था तो जान दे। ऐसा करिए तू कल मुझे रास्ते मिल जाइए, मैं तुझे अपनी खाला को दिखा दूंगा, खाला को ठीक है। अबे शेख चिल्ले तुम्हें काहे को नाराज होता जी, तुम हमारी शादी कराने के वास्ते हमारे नौकर के साथ कुछ भी करने का मांगता जी, लुंगी उठा के। ठीक है इधर आओ। क्यों मारा? नहीं मारा कमा के बुरा नहीं माने, खा के सांड हो रहे हो, काम धंधा नहीं करते स्वामी का। नहीं नहीं चले जाओ, आना सबूर सिखा दूंगा अगर मैं यहाँ आता रहा तो। बताओ क्या समस्या, क्या आप ये बताओ मेरी शादी कब हो जाएगी? शादी हाँ जी अभी बताता हूँ, और जल्दी से जल्दी बता दो। एक मिनट हाथ दिखाओ मुझे, हाथ अरे तुम्हारी शादी तो बड़े अच्छे लगन मंडप बन रहा है, और इसी साल के इसी साल में करवा दो जी, इसी साल के आखिरी तक तुम्हारी शादी हो जाएगी। और अजी मजा दवा दो भैया, बड़ी अच्छी लड़की मिलेगी। ठीक है जी बड़ा बढ़िया लगन है। ठीक है जी बढ़िया, इस साल के आखिरी तक तुम्हारी शादी पक्का हो जाएगी। ठीक है सेवा बोल लो, सेवा पाँच रुपए निकाल दो। ठीक है जाओ शादी। ठीक है नमस्कार, शादी हो जाए तो जोड़े के साथ आना। ठीक है जी जाओ। पंडित जी आओ आओ आओ, क्या समस्या हुई? अरे मुरली क्या दिक्कत हुई? अरे भैंस की गाड़ काट दी था पंडित जी। अच्छा सुश्री ने दूध तो ना दिया? अच्छा जी का पीछे का टक्कर ठोक दी। टक्कर ठोक दी? ओहो भाई तेरा हाथ दिखा तू, राहु केतु का असर सा लग रहा मुझे कुछ। देख ले भाई ये तो राहु केतु अड़े खड़े भैंस के आगे। अरे राहु केतु भैंस के आगे अड़े खड़े, इसमें हाथ में के धार काट रहे, इसमें देख पत्रे में। पत्रे में मैं देख लू, पहले तो यू हाथ की लकीर बता रही है भैंस के आगे। राहु केतु अड़े खड़े लाते हुए लगवा रहे तेरे। पंडित जी नू बता भी बताऊ, उल्टे हाथ में देख के भविष्य बता दे तू। उल्टे हाथ में देखूं मैं और बात मेरी सच्ची लिख दे, भैंस तेरी फिर अभी ब्याह लेगी, चार महीना पीछे लवर और होगा और दूध देगी दब के। तू
नौकर पत्रा काट के देख के पता मर गया। पत्रा में देखू पत्रा सी चलेगा काम। पत्रे में देख दे भाई पत्रा ही देख दे क्या मर गए रे। तेरा नाच जा पंडित ना चिंता मत करे ये राहु केतु का आगे सूर्य आ लिया सूर्य। पंडित जी मारे कलेश को काट दे। कलेश कट गया चिंता ना करे 101 रुपए यहाँ रख दे और कलेश कटा कटा 4 महीने बाद में बहस अगर ना ब्याली दूंगी आई दीका पप्पा नू बता कैसे 101 में कटेगा कलेश। बस 101 में कटवा रहा हूँ। अरे मेरे यार कुछ कम कर ले मनाबा। यू तो मैंने सस्ते से सस्ता रेट बताया। मानने नहीं भाई मान लू इसमें नहीं मान नहीं मानता। हाँ इसमें कोई समझौता नहीं भाई रुक जा। दीका ले आ 100 रुपए और जो मेरी भैंस का लवारा ना होगा ना तो तू नू जान ले पंडित जी तेरा नाश कर दूंगा। यही बैठा मिलूंगा बस तो ठीक है। चिंता ना करे पर 1 रुपया फिर कर लिए ये। अरे फिर उधार कर लिए। 5000 कर दिया 1 रुपया लिए जरूर। अरे मर गया पंडित जी राम राम। सुद्धा आके जा राम राम। घबराओ मत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पंडित जी मेरा भी हाथ देख दो। अरे पंडित जी मैंने सुना तुम तो बहुत अच्छा हाथ देखते हो। भाई कौन से चिड़ियाघर से चुटका गा। पंडित जी चिड़ियाघर से बोल रहा हूँ। भाई तू ये बता कौन से जंगल का जानवर है। पंडित जी क्या बात कर रहे हो। तू आदमी है कि जानवर। मैं इंसान हूँ। इंसान है इतना खूबसूरत सा इंसान हूँ तुम्हें दिख नहीं रहा। मैं तो इंसान के हाथ देखूँ जानवर के नहीं देखूँ। पंडित जी देखो कमाल कर दिया तुम सबके हाथ देख रहे हो मेरा कैसे नहीं देखोगे। मैं तो यहाँ अपना हाथ दिखाना है तुम तो मेरी किस्मत फोड़ रहे हो। पता ना कहाँ से बता रहे जंगल से आया हूँ मैं कोई चिड़ियाघर का जानवर दिख रहा हूँ तुम्हें। भाई तू मुझे मानस ही नहीं लग रहा। अरे अब और क्या पता बताऊं अपना ना तेरा पता ही नहीं पूछता तू लिकट तेरा हाथ नहीं देखता। भाई अब मुझे देख के पता नहीं चल रहा मैं इंसान हूँ। पंडित जी इंसान नहीं है तू। अरे तुम नहीं भाई। अरे तुम मेरे सच्चा हाथ देखो या तू जा। अरे मैं वैसी किस्मत का मारो पंडित जी मेरा हाथ। अरे तू जा भैया मैं जानवरों के हाथ नहीं देखता। अरे पंडित जी कमाल। अरे भैया तू जा चल तू कौन से जंगल से छुटकाया पहले जो बता। तुम वाले जंगल कह रहे हो पंडित जी कौन से जंगल छुटका। अगर मेरे माँ बाप ने सुन ली तो आगे मुझे ही मारेंगे अगर तुमने जंगल कह दी तो। माँ बाप भी है तेरे। हाँ है हाँ वे कौन से चिड़िया घर में। लो पहले तुम हाथ देखो। भाई हाथ नहीं देखता यार मैं इंसानों का हाथ देखता हूँ मैं जानवरों का हाथ नहीं देखता। हाँ पंडित जी दक्षिणा लेनी है तो वो ले लो कमाल। भाई तेरे से कुछ नहीं चाहिए तू जा यार मैं तेरा हाथ देखता ही नहीं। पंडित जी तेरा हाथ है तेरा पाँव है ये पैर दिख रहा। लो अब तुम मुझे तो ऐसा तुम लग रहा कि तुम चिड़िया घर से आयो। मैं तुम भी हाथ को पैर बता। तू दिमाग खराब मत करे तू चला जा। मैं तेरा मैं नहीं देखता तेरा हाथ। तू चला जा जा आया छुट्टियां को लटका गया नाक लियो भैंस दिमाग खराब दिन खोटा कर दिया कहां कहां चले आते। श्री राम श्री राम श्री राम हरिओम हरिओम। अय्या पंडित जी अय्या रामा स्वामी स्वामी जी आओ बोलो क्या कष्ट है बच्चा बच्चा। अय्या पंडित जी हमें तुमका बच्चा देखता जी हमें पूरा का पूरा आदमी जी लुंगे उठा के। स्वामी जी लुंगी मत उठा। लुंगी उठाना शादी से पहले बुरी बात लुंगी मत उठा। अच्छा तो जी ऐसा करता जी सामने बैठो। अच्छा पंडित हम चाता बंद करता जी आयो आयो पंडित बैठो आयो किधर बैठा जी। इधर ही बैठो सामने बैठो बैठा जी लुंगी उठा के लुंगी मत उठाना आइए लुंगी मत। अच्छा तो मैं बोला तो ऐसा करता जी दूसरी शादी करना चाहते हो। आयो क्या बोला जी दूसरा शादी। अय्या पंडित जी तुम हमारा दूसरा शादी का बात करता जी लुंगी उठा के अभी हमारा पहला शादी भी नहीं हुआ जी लुंगी उठा के तुम दूसरा शादी का बात करता जी। अच्छा तो पहली शादी करोगे तो अपना दाहिना हाथ दिखाओ। अय्या देखो जी ये देखो हेलो तो हाथ देखने के 51 रुपए स्वामी जी यहाँ निकाल कर रख दो। अयो 51 रुपया 51 रुपया किधर से निकालने का पंडित जी। अरे जेब से निकालो और कहाँ से निकालोगे स्वामी जी। ऐसा क्या अयो स्वामी जी ये क्या कर रहे हो मेरी जेब में क्यों हाथ घुसेड़ रहे हो। आप बोला जेब से रुपए निकालने का जी
मैं निकालता जी। अपनी जेब से निकालो, मेरी जेब से नहीं। पन्ना जेब से तुम्हें पहले कुछ बोला तो देगा ना लूंगी उठा के। पत्रा खोलने से पहले स्वामी जी चढ़ावा देना होता है। 51 रुपए निकालो पहले। आयो तुम खोलने का 51 रुपए मांगता जे पंडित। हाँ फिर बोलने का 51 रुपए मांगता जी। हाँ स्वामी जी ऐसा ही होता है। पंडित जी तुम पहले खोलो फिर बोलो, तब हम तुम्हें देगा जी लुंगी उठा के, जितना मांगेगा उतना देगा। पहले ये बोलो हमारा शादी कब होगा जी उस मोहिनी के साथ। पहले 101 रुपए दो स्वामी जी। 101 रुपया जी इतना बड़ा पैसे? हाँ बाद में देगा, पहले तुम हमको बताओ जी। भाड़ में जाओ तुम्हारी शादी, मेरी दक्षिणा नहीं दी, बने फिरते हो स्वामी, कुछ लेना नहीं देना नहीं। तो मैं झूठा जाता से एकदम झूठा जी। अब हमें जाता जी, तुम एकदम परोड़ आदमी, हमें जाता जी लुंगी उठा के। भगवान करे तुम कुवारे मरो। कहां से चले आते हैं, सारा दिन खोटा कर दिया। राम 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 राम। अरे तुम्हारे घर से कौन गया भैया? मैं तो जानता ना, पता ना कौन से चिड़िया जंगल का जानवर। मैं जानवर की बात नहीं कर रहा पंडित जी। मैं और किसकी बात कर रहा हूँ? ये बात कर रहा हूँ स्वामी की। स्वामी की? स्वामी की? हाँ। अच्छा स्वामी से क्या लेना देना भाई? उसका क्या क्या करवा रहा था? उसका हाथ देख रहा हूँ मैं, शादी के लिए। शादी के लिए? ठीक है अब मेरा हाथ देख। तेरा? हाँ। तेरा हाथ मैं नहीं देखूँ भाई। क्यों? तू तो बच्चे नहीं आदमी। मैं कुछ बदतमीजी नहीं करूँगा पंडित जी। तमीजी नहीं करेगा? नहीं भाई, तेरे पे भरोसा नहीं। तो भरोसा करोगे जी, भी तो होगा कुछ। भरोसा कैसे कर? करो भरोसा। लायक आदमी है तू? बिल्कुल बदतमीज नहीं करूँगा। नहीं करेगा? नहीं करूँगा। नहीं करेगा तो बैठ जा। जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही बोलूंगा। वैसे ही बोलने का पक्की बात है? हाँ ठीक है देख ले। हाँ बिल्कुल बैठ जाते। ठीक है ले बैठो। यू क्या तरीका है बदतमीजी से बैठ कर? ये बदतमीजी है और क्या है? यू क्या तरीका बदतमीजी से बैठ का तो? अरे तू कैसे बात कर रहा? मैं तो कैसे बात कर रहा? फिर बदतमीजी कर रहा? फिर बदतमीजी कर रहा? आ जा जा। तेरा वक्त खराब आ जाएगा। तेरा वक्त खराब आ जाएगा। दो लग तो ही ठीक हो जाएगा तू। दो लग तो ठीक हो जाएगा तू। मानने का नहीं? मानने का नहीं। रे मैं करूँ चला जा। मैं करूँ चला जा। मैं मार दूँ तेरे भी। मैं मार दूँ तेरे भी। रे कम वक्त। रे कम वक्त। जा रहा नहीं जा रहा तू? जा रहा नहीं जा रहा तू? पीटे का भाई तू तो? पीटे का भाई तू तो? चल जा। चल जा। मैं मामा मार दूँ तेरे भी। मार दूँ तेरे भी। चल चल। दिल खुद टिकट दी कहाँ जाया आया? दिल खुद टिकट दी कहाँ जाया? पहली कह रहे हम। पहली कह रहे जा रहा नहीं जा रहा इससे? जा रहा नहीं जा रहा इससे? मैं फिर का मारूंगा तुझे। मैं फिर का मारूंगा तुझे। इधर चला जा। हाँ चला जा। वाह छतरी, सांड छतरी भी छोड़ गया यही? ये तो स्वामी जी की छतरी है। हाँ स्वामी जी की छतरी छोड़ गया। स्वामी जी की छतरी छोड़ गया भगा हराम का माल है। वाह छतरी क्यों रख ली तूने? मैं काहे को रखता? और आप देखे दक्षिणा में गया, तू कहाँ ले जा? दक्षिणा में देगा? हराम का माल ले ले, हराम का माल। इधर दक्षिणा में देगा मुझे? आ, नहीं दक्षिणा ले, वो मेरी पार्टी है। अगर तेरे उसके अंदर भी लगाई ना छेड़ा करना पड़ा तो तेरा ठीक है ना? भाई कमबख्त, तेरा दिल खट्टी कर दिया तेने। चल दिल खट्टी कर दिया तेने। जा चला जा। चला जा। जा रहा हूँ मैं। जा रहा हूँ मैं। Thank you.
वालेकुम सलाम, आओ शेख चिल्ली, आओ कैसे आना हुआ, बैठिए। सब खैरियत से है? हाँ लगा करो खरुजा। अय्या शेख चिल्ली, तमें न को क्या करने को बोला थी लोगी उठा के? लोगी नीचे कर ले। अय्या, अरे शेख चिल्ली एक बात तो बता बेटा, आज तू किस जानवर को पकड़ लाया? हेलो जान, ये एक मंदराशी है, आपकी लड़की बत्तो है नहीं, उसके लिए ले आया हूँ, उसका निकाह इससे करवा दो, अगर निकाह हो गया ना जोड़ी ठीक रहेगी। अबे शेख चिल्ली, अबे खाला से इसका ब्याह करवा दूंगा, अबे मैं क्या भुट्टे बुन लूंगा घर में पड़ा पड़ा, अभी तो जवान हूँ मैं, लट्टा घट्टा हूँ। मगर खालो जी, ये खाला से नहीं बत्तो से शादी करेगा, बत्तो से। देख शेख चिल्ली, मैं तेरी खाला को और बत्तों को दूर से दिखा देता हूँ इस मद्रासी को, हैं? अगर उनको पसंद आ गया तो शादी पक्की। ठीक है तो खालो, जाओ करो काम करो, दिखाओ दिखाओ। ठीक है, तू बैठ बेटा और मैं जो है दिखवाता हूँ, बैठ जा आराम से, मैं आ रहा हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमें किधर बैठा दी लुंगी उठा के? ना और कहाँ बैठेगा, मेरे सिर पे बैठ जा, बैठने जगह नहीं दी गई, बैठ जा। क्या बात रही खालू जान? अरे बात क्या रहती बेटा, वो बत्तो जो है शादी के लिए मान गई। मान गई? हाँ। अयो अयो सकतले, ऐसा क्या, अब हमें शादी करेगा जी लुंगी उठा के? लुंगी नीचे कर ले, तुझे बता दे सो बात बतला दिया, शादी से पहले लुंगी ऊपर मत करे। वो उधर खड़े हैं, हैं? और दिखा दे। खालू एक बात बतलाओ, वो अंदर कौन रो रहा? अरे शेख चिल्ली कुछ नहीं, ये बत्तो रो रही है। क्यों? वो कह रही है कि इस मद्रासी से मेरी शादी जब हो जाएगी तो मेरे बच्चे भी होंगे। होंगे या नहीं होंगे? बच्चे तो होंगे, और जब बच्चे होंगे तो वो बच्चों को लेके यहाँ आएगी, हैं? तो वो इसलिए रो रही है कि हमारे घर की दीवार है कच्ची, अब कच्ची दीवार है, जब बच्चे दीवार के नीचे खेल लेंगे और वो दीवार गिर गई और कोई सा बच्चा मर गया तो बताओ क्या होगा, हैं? अयो इतना समझदार चौकरी जी, हम इस चौकरी से अभी शादी करने का मांगता जी लुंगी उठा के। अभी मांगता? अयो ठीक है, उधर 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 देखा, चाल देख ले। ये इसको लड़की बोला तुम? लड़की है जी, इतना मोटा लड़की भैंस जैसा, हम शादी नहीं कर सकते। ओए मेरे अरमानों में पानी फेर के जा रहा है कमबख्त, हैं? ओए चल दिया मैं तेरे, अबे अब मैं किसके साथ आग में चली खेली मैं तेरी हवेली में, चल चल मैं भी आ रहा हूँ, चल। अरे खान साहब, इनको क्या हुआ, ये कैसे भाग गए? अरे क्या होता, मुश्किल थे तो जो है एक रिश्ता फंसा था बत्तों के लिए, हैं? पर 40 साल की हो गई लड़की, हैं? अब उसका क्या होगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। स्वामी जी कैसे आग के तोड़ा रहा? तेरी आँख फूट रही है लाला के बच्चे, मैं उसके आगे के दौड़ता हूँ, मेरा आगे के दौड़ता, मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ सेठ, मद्रासी तेरे आगे दौड़ रहा हो या तू मद्रासी के पीछे, खरबूजा छुरी भी गिरे या छुरी खरबूजे पे, बात तो एक ही है ना। अरे बनिया वाली बुद्धि से काम ले, फिर पता नहीं तुम्हें अगर छुरी के ऊपर खरबूजा गिर गया तो कटेगा नहीं। अरे वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो शेठ जी, मैं उसकी शादी अपनी खाला से करवा रहा था, अबे उसका साला उसे देख के भाग गया। अरे शेख मैं नू कह रहा हूँ, अरे दिमाग से काम ले, बनिया वाली बुद्धि से काम ले, ले बड़ा मालदार आसामी है मद्रासी, किसी तरह से भी ऐसी तरकीब सोच जिससे उसकी जायदाद में से आधा आधा हिस्सा तेरा मेरा हो जा और दोनों मौज उड़ावेंगे, ऐसे दिमाग से सोच। साला है बड़ा मालदार ये। अरे मैं नू कह रहा हूँ, फिर तू दिमाग से सोच, उसकी शादी मत करवा, बनिया वाली बुद्धि से सोच कुछ है? मैं उस मद्रासी की शादी करा के दौड़ रहूंगा और वो भी पुआली लड़की से, फिर उसके बच्चे हो जाएंगे, उसके बच्चे ही तो उसकी जायदाद के वारिस होंगे।
अरे यार सेठ, अरे तू रे खाली एम एक अली का ही सेठ चिल्ली। अरे तू मुझे नू बता, एक्चुअली मालदार बनना नहीं बनना? हाँ मालदार बनना है। अरे तो फिर तू बिल्कुल ऐसी सोच, उसकी शादी मत होने दे, बनने वाली नीति पे चल, कुछ ऐसी तकलीफ सोच जो उसकी शादी ना होवे। हाँ, अब सेठ चिल्ली मुझे क्या बता, तुम्हें बदलाओ बनने वाली तरकी, बदलाओ बदलो। तू उसके वहां जाकर नौकरी कर ले, और जब भी कोई शादी के लिए आवे उसके यहाँ, उसे किसी ना किसी तिकड़मबाजी से उसे भगा दे, और फिर वो जो मद्रासी है ना, वो कुवारा का कुवारा ही मर जाएगा, और फिर उसकी जायदाद में दोनों हाथ जुड़ बोझ मस्ती, सीटाने भी कुछ और हम भी कुछ और तू भी कुछ। ठीक है मैं कल ही मद्रासी से बात करूंगा लाला जी, सारा है बड़ा मालदारी दबा दो, समझ गया ना? बस अब तो मामले को ठीक से जमा दे, बहुत ही अच्छी तरह से पका के फिट कर दे मामले को। अरे बेफिक्र रहो लाला जी, चिंता मत मानो, शेख सिल में विश्वास नहीं है तुम्हें, पूरा काम बिल्कुल फिट कर दूंगा, ठीक है कर दूंगा पूरा काम। अच्छा ठीक है मामले को जरा ठीक से जमा दिए। बिल्कुल भी गलती नहीं होने दूंगा, नाम शेख सिल है, शेख सिल फिर ठीक है, शेख सिल जा रहा हूं ना, आप बिल्कुल जा लो, बिल्कुल फिट कर दो, बिल्कुल फिट करिए। अरे बेवड़े मुंह रखा है, ठीक है जी, ऐसे करें पीट के लूं सामान का, एक वो निकल रही पलिक तो भी सीटाने की दौड़ लगा रहा है। अरे सीटाने की खाने को दे देती है, मैं दे रहा हूँ सीटाने तो टाका पीट कर है, बैठ जा ऐसे आराम से बैठ जा, अच्छा जा बैठ जा, जा भली करेगी मैं कौन जा। अयो तो बड़े काम का चीज है, क्या बोलता जे एक अमेरा बाप का इकलौता बेटे शादी करने के वास्ते एक पति यानी हस्बैंड मांगता जे, कोई जाति बंधन भी नहीं जे, हम आता जे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, अयो सही चल ले, मैं दोबारा सही चल ले, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम हमारा पकड़ कर रखो, नहीं छोड़ूंगा, अयो अयो सही चल ले, तुम हमारा काया का पकड़ता जे पाव लुंगी उठा के लुंगी जगह लुंगी जगह, अयो हमारा छोड़ो जी पाव लुंगी उठा के लुंगी जगह लुंगी जगह लुंगी जगह।